हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। मैं हूं नेहा तोमर। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सूखे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा मोस्टली स्वीट्स, हलवा, बर्फ़ी या बहुत सी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नारियल का बुरादा बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के सूखे नारियल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ऊपर से छील भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसका बुरादा बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ग्रेट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से आपको इसे ग्रेट करना है। आप चाहें तो इससे बारीक ग्रेटर भी लेकर इसे ग्रेट कर सकते हैं और इसी तरह से हम दोनों नारियल को अपने ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद दोस्तों, हम इसे ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड करेंगे। इसे अच्छे से ग्राइंड करना है जिससे कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए और हमें जो स्वीट्स में हम इन्हें यूज़ करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा ये मोटा ना रहे। तो देखिए दोस्तों, आपको इसी तरीके से अपने सूखे नारियल को ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड करना है और आप हाथ से देख सकते हैं कि ये कितना बारीक मैंने ग्राइंड किया है। और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाथ से टच करने पर भी ये कितना बारीक मैंने यहाँ पर ग्राइंड किया है। और आपको भी इसी तरीके से नारियल का बुरादा ग्राइंड करके आप घर पर बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इसमें कोई फंगस वगैरह लगेगी, क्योंकि दोस्तों इसे हम एयर टाइट कंटेनर में, बॉक्स में भी भरकर रख सकते हैं और ये महीनों तक चल सकता है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप अपने घर पर जो भी मिठाइयाँ बनाकर तैयार करें, आप इसका उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, आपको इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो बर्फ़ी का टेस्ट है, जो आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसका टेस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप अपनी मिठाइयों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।